সেই দুর্নীতিবাজদের প্রকাশ্যে নিয়ে এসে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কোন রকম আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের নেত্রী ঘুরছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মুখে যাচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানাতে এবং সেই পরিবারকে যে সর্বশান্ত করার যে প্রয়াস যে প্রচেষ্টা তারপরে ঝেড়েছে ওরা হস্তক্ষেপের ভর পাবে, এগুলো কি জিনিস? কমপ্লেন তো যে কোনো কমপ্লেন নিতে হবে নিশ্চয়ই। आज थाना में डेमोन्स्ट्रेशन देने हम लोग सभी एम आई सी ए ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट है, काउंसलर सभी पोल्टी के और हमारे टी एम सी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। आज हम लोग थाना में डेमोन्स्ट्रेशन देने आए हैं कि बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आज कर रही है, आज देखिए हर बीजेपी हर एक पर हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रही है। खासकर देखिए अभी नौजवान लड़कों के लिए नौकरी देने की बात है तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो पैसा ले लेकर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक अमित सिंह उनके बारे में हमारे ब्लॉक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, टीएमसी के कोई भी कार्यकर्ता हम लोग एक भी जरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज इस कदर नीचे गिर चुकी है कि हर वो काम करने की वो कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाएंगे लेकिन रोजगार नहीं दिलाए। आज उन लोग इतना नीचे गिर गए उनके साथी कि आज हमारे नौजवानों से पैसा ले ले रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं दे रहे, उनको घर से बेघर कर रहे, हर तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट अत्याचार करने पर उतर गई है। लेकिन हम लोग किसी भी तरह के कोई भी अत्याचारी नहीं सहेंगे। हम लोग टीएम अमित सिंह के ऊपर आरोप है कि वो ऐसा बहुत से ऐसा काम करता है, लोगों से पैसा लेता है, झूठा केस है, ऐसा बहुत से ऐसा चीज़ ऐसा उसके ऊपर है। तो खासकर हमने आज आईसी साहब के सेकंड ऑफिसर को मैंने कहा 7 दिनों के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, 7 दिनों के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग कोल्टी थाना में करने वाले हैं, जो 7 दिनों में हमने टाइम दिया यहाँ पर।